बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ ग्रेड 5 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसके हमने यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शंस का स्टार्ट किया हुआ है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसके आज हमने एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करनी है, जो कि पेज 69 पे है। इसके आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये देखिए यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें डेसिमल के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करनी है, डेसिमल में क्वेश्चन दिए हुए। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं। यह की फैक्ट, व्हेन मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, वी मूव डेसिमल पॉइंट्स 1, 2 एंड 3 प्लेसेस टू द राइट साइड रेस्पेक्टिवली। इसमें उन्होंने कहा है कि जब हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से 100 से या 1000 से, तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट हमने कैसे मूव करने हैं। वो मूव डेसिमल पॉइंट 1, 2 एंड 3 प्लेसेस टू द राइट साइड, यानी यहाँ लेफ्ट से राइट साइड पे लेके हम जाएंगे इसको पॉइंट को। तो और क्या लिखा हुआ, और व्हेन मल्टीप्लाई या डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, के जब डेसिमल को 100, 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इफ़ द डिजिट्स टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल प्लेसेस के जो राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं और नॉट इनफ, वो मुकम्मल ना हो, पूरे नंबर यानी कि कम हो, तो वी पुट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट साइड। तो हम राइट साइड पे हम ज़ीरो जो है वो लगा लेते हैं। तो आइए अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3 को। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग, इनके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है डेसिमल के फॉर्म में। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 3, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका ये पार्ट है 1.59 मल्टीप्लिकेशन 10, यानी कि 1.59 को ये डेसिमल पॉइंट है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 के साथ, फिर मैं इसका पॉइंट लगाना आपको बताऊंगी। तो ये 1.59 मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो ज़ीरो के साथ करेंगे ऊपर वाले तीनों डिजिट को, तो 09 का 0, 05 का 0, 01 का 0। अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट डिजिट इसके नीचे जो है वो 0 लगेगा, और ये 1 के साथ 19 का 9, 15 का 5, 11 का 1। अब इनको ऐड करेंगे 0 का 0, 9 का 9, 5 का 5 और 1 का 1। आप जहाँ तक पॉइंट की बात है कि पॉइंट कैसे लगाना है, तो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर 10 हो तो 1 प्लेस आपने मूव करना है राइट साइड पे, तो यहाँ से पॉइंट निकाल के हम यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि 1 प्लेस ही हमने आगे जाना है ना। तो ये 5 के बाद जो है ये लगेगा, तो इधर ये देखेंगे पॉइंट हम लोगों ने इधर यहाँ पे लगाना है इसको, और यानी कि 1 प्लेस के बाद, तो ये नीचे हमारा आंसर जो है वो 9 है ना। ये 0 आप लगा लें या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 0 की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती। तो ये देखें 1 प्लेस के बाद हम कहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, इधर 9 के बाद, ठीक है, ये 10 है तो 1 प्लेस के बाद लगाएंगे।
ये वन प्लेस इसके देते थे, इधर हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे 15.9। अब बी पार्ट है इसका 2.48 मल्टीप्लिकेशन 100। अब इसको 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2.48 को 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 08 से 0, 04 से 4, 02 से 0। अभी दोबारा फिर ज़ीरो के साथ करना है तो फर्स्ट डिजिट के नीचे ज़ीरो लगाएंगे, फिर 08 से 0, 04 से 0, 02 से 0। अब वन के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये थर्ड डिजिट है तो 2 के नीचे हम 0 लगाएंगे। अब उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 8 सा 8, 1 4 सा 4, 1 2 सा 2। अब ऐड करें 0 का 0, 0 का 0 और 8 का 8, 4 का 4 और 2 का 2। अब इसमें डेसिमल पॉइंट 100 में 2 प्लेस आपने जो है वो मूव करना है। ये देखिए ये इधर से पॉइंट निकाल के इधर 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉइंट आएगा। तो इधर हमारे पास जो आंसर आया तो यानी 2 प्लेस के बाद लगाना पॉइंट, तो ये 1 और 2 2 प्लेस के बाद लगा लिया। ये इसको 248 भी आप लिख सकते हैं या 248.00 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो की जो है वो कोई वैल्यू नहीं रहती, तो 248 इसका आंसर है। अब सी पार्ट है 4.37 मल्टीप्लिकेशन 1000। अब 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है इसको, तो ये देखिए आप सबसे पहले हम ज़ीरो के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 00 से 0, 07 से 0, 03 से 0 और 04 से 0। अब फिर दोबारा ज़ीरो के साथ करनी तो फर्स्ट डिजिट के नीचे ज़ीरो लगाएंगे, तो इसके अभी 00 से 0, 07 से 0 और 03 से 0 और 04 से 0। अब थर्ड ज़ीरो है जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 के नीचे डिजिट के नीचे हम ज़ीरो लगा लेंगे और बाकी जो है वो 40 से 0, 47 से 0, 43 से 0 और 04 से 0। अब इसके बाद 1 यानी कि 4 डिजिट के साथ हमने करनी है ना, तो फर्स्ट 3 डिजिट के नीचे 0 लग जाएगा, तो 10 से 0, 17 से 7, 13 से 3 और 14 से 4। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 0 का 0, ये भी 0 का 0 नीचे, ये भी 0 और इसका भी 0 का 0 और ये 7 का 7, 3 का 3 और 4 का 4। अब इस तरह हमारे पास आंसर है 437 0.00। इसका पॉइंट किस तरह करना है सर, ये 1000 है तो 3 प्लेस के बाद हमने पॉइंट लगाना है, यहाँ से पॉइंट निकाल के देखें 1 2 3। इसमें 37 था खाली, तीसरी हमारे पास प्लेस थी तो हमने 0 लगा लिया, तो इस तरह 1 यहाँ से इसको मूव किया तो 1 2 और ये 3, इसे 3 प्लेस के बाद आपने पॉइंट लगाना है। इसका भी आंसर 4370 पॉइंट इसके, क्योंकि 0 ना भी लगाएं कोई बात नहीं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो की जो है वो कोई वैल्यू नहीं रहती। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, और बाकी के पार्ट आपने स्टूडेंट से खुद करने, इनका भी सेम जो जैसे मैंने आपको मेथड बताया बिल्कुल इसी तरह सब के साथ 10, 100, 1000 इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करके पॉइंट डेसिमल पॉइंट को मूव करना है आपने लेफ्ट से राइट साइड में, और अपना पॉइंट सेट करना नीचे आंसर में, हमें सारे क्वेश्चन इसी तरह आपने सॉल्व करने। ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल, किसी जगह पे 1 डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे हाँ जी 1 के साथ ही है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते। हाँ स्टूडेंट्स, इसका एक्सरसाइज 3 का यूनिट नंबर 4 की जो एक्सरसाइज 3 है उसके हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पार्ट है 5.36 मल्टीप्लिकेशन 82। 5.36 को 82 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे
ये देखिए सबसे पहले टू के साथ करते हैं, टू सिक्स या ट्वेल्व, टू लगा वन कैरी, थ्री टू या सिक्स, सिक्स में वन कैरी डाला तो सेवन, और फाइव टू या टेन, हाँ स्टूडेंट टू को फाइव से मल्टीप्लिकेशन करें तो टू फाइव या टेन। हाँ भाई एट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट डिजिट के नीचे जीरो लगेगा, एट सिक्स या फोर्टी एट, एट लगा फोर कैरी, एट थ्री या ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर में फोर डालें तो ट्वेंटी एट, एट लगा टू कैरी, और एट फाइव या फोर्टी, फोर्टी में टू कैरी डाला जाएगा फोर्टी टू। तो सर हमारे पास आंसर क्या है, टू टू का टू सेवन और एट फिफ्टीन, फाइव लगा वन कैरी और एट में वन कैरी डाला तो नाइन, वन और टू इसको ऐड किया तो योगे थ्री और फोर का फोर वैसे के वैसे नीचे आ गए। इस तरह हमारा इसका आंसर है फोर थ्री नाइन पॉइंट फाइव टू। और पॉइंट अब किस तरह सेट करना है, ये लेफ्ट से, ये राइट से लेफ्ट जाते हुए आपने सेट करना है, यानी कि टू प्लेस के बाद है ना, तो टू प्लेस ये वन और टू, टू के बाद आपने पॉइंट लगा देना, ठीक है। अभी बात है वन पॉइंट सेवेंटी वन मल्टीप्लिकेशन ट्वेल्व, यानी कि वन पॉइंट सेवेंटी वन के ट्वेल्व के साथ मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये देखिए सबसे पहले हम टू के डिजिट के साथ ऊपर वाले सारों को करेंगे मल्टीप्लिकेशन, टू वन से टू, सेवन टू से फोर्टीन, फोर लगा वन कैरी, टू वन से टू और वन कैरी डाला थ्री, अब वन के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो फर्स्ट डिजिट के नीचे जीरो लगा तो वन वन से वन, वन सेवन से सेवन, वन वन से वन। अब इनको ऐड करते हैं टू का टू फोर और वन फाइव, थ्री और सेवन को ऐड करते हो टेन, जीरो लगा वन कैरी, वन और वन टू, ऐसे हमारे पास इसका आंसर आया टू जीरो पॉइंट फाइव टू। और पॉइंट किस तरह, टू ऊपर देखिए ये टू प्लेस के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे भी हमें टू प्लेस के बाद पॉइंट जो है वो लगा देंगे। अब सी पार्ट है फोर पॉइंट नाइन वन मल्टीप्लिकेशन थर्टी फोर, हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे फोर पॉइंट नाइन वन को थर्टी फोर के साथ, तो जैसे सबसे पहले फोर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फोर वन से फोर, फोर नाइन से थर्टी सिक्स, सिक्स लगा थ्री कैरी, फोर फोर से सिक्सटीन, सिक्सटीन में थ्री कैरी डाले तो गए नाइनटीन। अब थ्री के साथ करेंगे तो फर्स्ट डिजिट के नीचे जीरो लगेगा, अब थ्री वन से थ्री, थ्री नाइन से ट्वेंटी सेवन, सेवन लगा टू कैरी, थ्री फोर से ट्वेल्व, ट्वेल्व में टू डाले तो गए फोर्टीन। अब हम इसको ऐड करेंगे तो फोर का फोर एज इट वैसे लिख लेंगे, सिक्स और थ्री नाइन, और नाइन और सेवन सिक्सटीन, सिक्स लगा वन कैरी, वन और फोर फाइव, फाइव में वन कैरी डाला तो सिक्स, और वन का वन एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे। ऐसा हमारा आंसर रसी पार अगर आया वन सिक्स सिक्स पॉइंट नाइन फोर, और पॉइंट टू प्लेस के बाद है तो इधर भी टू प्लेस के बाद पॉइंट आ। अब डी पार्ट है थ्री पॉइंट फिफ्टी फोर मल्टीप्लिकेशन एटीन, यानी थ्री पॉइंट फिफ्टी फोर को एटीन के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये देखिए एट सबसे पहले एट के साथ करेंगे ऊपर और सारे डिजिट को, एट फोर से थर्टी टू, टू लगा थ्री कैरी, एट फाइव था फोर्टी, फोर्टी में थ्री कैरी डाला तो फोर्टी थ्री, थ्री लगा फोर कैरी, एट थ्री था ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर में फोर कैरी डाला तो ट्वेंटी एट। हाँ अब वन के साथ करना नेक्स्ट डिजिट के साथ ऊपर वाले सारों को, तो फर्स्ट ये जो डिजिट इसके नीचे जीरो लगेगा, वन फोर था फोर, वन फाइव था फाइव, वन थ्री था थ्री। इस तरह हमारे पास इसका आंसर है, इससे ऐड करेंगे टू का टू, थ्री और फोर सेवन, एट और फाइव थर्टीन, थ्री लगा वन कैरी, टू और थ्री फाइव, फाइव में वन कैरी डाला तो सिक्स है। इस तरह हमारे पास इसका आंसर आया सिक्स थ्री पॉइंट सेवेंटी टू। और पॉइंट किस तरह लगाना है ये आपको सारा मैं बताई जा रही हूँ शुरू से, कि इधर टू प्लेस के बाद पॉइंट लगाया तो नीचे भी टू प्लेस के बाद जो है वो पॉइंट लगेगा। अब ये पार्ट है वन पॉइंट ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लिकेशन टू, यानी कि वन पॉइंट ट्वेंटी थ्री को हम टू के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो थ्री टू या सिक्स, टू टू या फोर, टू वन या टू, सर हमारे पास इसका आंसर है टू पॉइंट फोर सिक्स, और डेसिमल पॉइंट का टू प्लेस के बाद, सर टू वन टू, टू प्लेस के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाया।
अब ना सेफ पार्ट ऑफ 5.49 मल्टीप्लिकेशन 23, यानी कि 5.49 को आपने 23 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। ये देखिए मैंने लिखा होगा, अब 3 के साथ सबसे पहले कहते हैं ऊपर वाले सारे डिजिट को, 3 9 27, 7 लगा 2 कैरी, 3 4 12, 12 में 2 कैरी डाला तो हो गई 14, 4 लगा 1 कैरी, 5 3 15, 15 में 1 कैरी डाला तो होगी 16। अब 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले तीनों डिजिट को, तो पहले डिजिट के नीचे 0 लगेगा। अब 2 9 18, 8 लगा 1 कैरी, 4 2 8, 8 में 1 कैरी डाला तो 9, 5 2 10। अब हम इनको ऐड करेंगे, 7 वैसे के वैसे एज इट वैसे नीचे आ जाएगा, और 4 8 12, 2 लगा 1 कैरी, 1 कैरी, अब 6 और 9 होगी 15, 15 में 1 कैरी डाले तो 16, 6 से लगा 1 कैरी, 1 है नीचे 0 है तो 1 में 1 कैरी डाले तो हो गया 2, और ये 1 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा। इस तरह हमारा एफ पार्ट का आंसर हुआ 126.27। और ये पॉइंट कैसे लगाना है, 2 प्लेस के बाद लगा हुआ इधर ऊपर, तो नीचे भी हम 2 प्लेस के बाद जो है वो अपना पॉइंट लगाएंगे। अब जी पार्ट है 2.51 मल्टीप्लिकेशन 89, तो 2.51 को 89 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसको ऐसे लिख के अब 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन पहले कहते हैं 9 1 9 9 9 5 45, 5 लगा 4 कैरी, 9 2 18, 18 में 4 कैरी डाला तो योगे 22। अब 8 के साथ करना है तो फर्स्ट डिजिट नीचे 0 लगेगा, 8 1 8, 8 5 40, 0 लगा 4 कैरी, 8 2 16, 16 में 4 कैरी डाला तो गए 20। अब हम इनको ऐड करेंगे 9 का 9, 5 और 8 13, 3 लगा 1 कैरी, 2 में 1 कैरी डाला तो जो ये 3, और ये 2 का 2, और ये भी 2 एज जैसे लिखा वैसे के वैसे नीचे जो लिख लेंगे। इस तरह हमारे पास इसका आंसर आया 223.39, और ऊपर 2 प्लेस के बाद पॉइंट है तो नीचे भी हम 2 प्लेस के बाद जो है वो पॉइंट लगाएंगे। अब इसका ये पार्ट है 3.05 मल्टीप्लिकेशन 80, यानी 3.05 को 80 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सबसे पहले 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0, अब 8 के साथ 8 5 40, फर्स्ट डिजिट नीचे 0 लगेगा तो 8 5 40, 0 लगा यानी कि आगे नेक्स्ट 0 ये 40 के 40 लग जाएगा, और 8 3 24। अब हम इसको ऐड करेंगे 0 का 0 0 का 0, और 4 का 4, और ये भी 4 24 एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे, और पॉइंट 2 प्लेस के बाद इधर लीजिएगा, और इसका आंसर 244 होएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की जो होती है वो वैल्यू नहीं रहती। अब आई पार्ट 1.46 मल्टीप्लिकेशन 61, अब 1.46 को 61 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये देखिए सबसे पहले हम 1 के साथ ऊपर वाले तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 1 6 6 1 4 4 1 1 7, अब 6 के साथ करना है तो जो फर्स्ट डिजिट उसके लिए 0 लगेगा, तो ये 6 6 36, 6 से लगा 3 कैरी, तो 6 4 24 में 3 कैरी डाला तो ये 27, 7 लगा 2 कैरी, 6 1 6 6 में 2 कैरी डाला तो ये होगी 8। अब इनको ऐड करेंगे 6 का 6 4 और 6 10 0, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 में 1 कैरी डाला तो 9, और ये 8 वैसे वैसे एज इट लिख लेना, और डेसिमल पॉइंट कैसे 2 प्लेस के बाद सेट करना है, ये 2 प्लेस 6 और 0 के बाद हम पॉइंट सेट करेंगे। इस तरह इसका आई पार्ट का हमारे पास आंसर है 8.9.06। अब जे पार्ट है 9.17 मल्टीप्लिकेशन 11, तो 9.17 को 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले 1 डिजिट के साथ कहते हैं 1 7 7 1 1 1 1 9 9, अब दोबारा फिर 1 के साथ है
साथ लिखा तो फर्स्ट के नीचे हम डिजिट के नीचे ज़ीरो जो है वो लिखेंगे, तो 17 7 11 119 9। अब इनको ऐड करते 7 एज इट वैसे के वैसे लिखा जाएगा 1 7 8 9 1 10 0 लगा 1 कैरी और 9 में 1 कैरी डाला तो 10। इस तरह हमारे पास आंसर आया 100.87। और टू प्लेस का पॉइंट है तो इधर नीचे भी हम टू प्लेस के बाद जो है वो पॉइंट लिखेंगे। और ये के पार्ट है 2.50 मल्टीप्लिकेशन 43, हम इनको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2.50 को 43 के साथ। तो ये 3 के साथ पहले कहते हैं 3 0 0 0, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 2 6, 6 में 1 कैरी डाला तो 7। अब 4 के साथ करना है तो फर्स्ट डिजिट के नीचे 0 लिखेंगे और इधर ये 4 0 0 0, 4 5 20, 0 लगा 2 कैरी, 4 2 8, 8 में 2 कैरी डाला तो 10। अब हम इनको ऐड करेंगे 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7 और ये 10 का 10। इस तरह हमारे पास इसका आंसर है 107.50। और पॉइंट किस तरह लगाना है, टू प्लेस के बाद ऊपर टू प्लेस के बाद तो नीचे भी हम टू प्लेस के बाद जो है वो पॉइंट लगाएंगे। अब एल पार्ट है 4.13 मल्टीप्लिकेशन 86, यानी कि 4.13 को 86 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले 6 डिजिट है, 6 को ऊपर वाले तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 3 18, 8 लगा 1 कैरी, 6 1 6 में 1 कैरी डाला तो 7, तो 6 और 4 24। अब 8 के साथ करना है तो फर्स्ट डिजिट के नीचे 0 लगेगा, 8 3 24, 4 लगा 2 कैरी, 8 1 10, 1 इसमें 2 कैरी डाल तो ये 10, 0 लगा 1 कैरी, 8 4 32, 32 में 1 कैरी डाला तो योग्य 33। अब हम इनको ऐड करेंगे 8 का 8, 7 4 11, 1 लगा 1 कैरी, 4 में 1 कैरी डाला तो 5, 2 और 3 5 और 3 एज इट वैसे के वैसे लिख लेंगे। इस तरह हमारे पास इसका आंसर आया पार्ट का 35.18। और अब डेसिमल पॉइंट किस तरह, टू प्लेस के बाद हमने लगाया तो इधर हम 2 1 2 2 ये प्लेस हैं, उसके बाद हमने पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट लगाया। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको आज के सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।